मुझे अगले साल आ जाएगा। कहाँ आ गए अब लोग? 14 पे। देखो बच्चे, तो बच्चे 14 क्वेश्चन है आपका बीसी। क्या बीसी? बुढ़िया अब सीरियस रहो भाई। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट करता है बी सी को डी पर। देखो भाई बच्चा लोग, ये ए सी बी, ये यहां पर आया डी फॉर डंकी और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई बेटा, सीरियस रहे अब आप। अब आपने प्रूव करना है, और गिवन ये भी है भाई, यहां देखो गिवन है डी बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी। यहां से एक बात समझना, डी बी इसका मतलब अपॉन सी डी इक्वल टू 3:1 आ गया, क्या ये बताओ? ये गिवन था। अच्छा इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे ये बात यहां देखो जरा फोकस करो, ये 3 यूनिट है ये वाली, देखो ये यहां से यहां तक 3 यूनिट, डी से बी तक 3 यूनिट, सी से डी तक 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 यूनिट है तो 3 यूनिट इधर ली गई है और 1 यूनिट इधर। सो इसका मतलब यहां देखना जरा ध्यान से, डी बी जो है वो 3/4 ऑफ बी सी है, और सी डी जो है वो 1/4 ऑफ बी सी है। आप यहां तक सहमत हो जाएं, उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाए। ट्रायंगल छोड़ो, इसने कहा था डी बी जो है वो थ्राइस ऑफ सी डी है, ये इधर की 3 times है, तो इसका मतलब डी बी और सी डी का रेशियो 3:1 हो गया। इसका मतलब अगर ये 4 यूनिट की लेंथ है तो 3 यूनिट लेंथ इधर है, 1 यूनिट लेंथ इधर है। ठीक है बच्चा लोग, तो इसका मतलब डी बी जो है बेटा वो 3/4 ऑफ बी सी है, और सी डी जो है वो 1/4 ऑफ बी सी है। ठीक है, ठीक है बच्चा, सरक उधर को तो टीका रहता तुझे खड़ा, उनको किसने कहा? तो अब ये जो है ये स्थिति है। ठीक है बेटा, यहां तक की स्थिति से आप कोई दिक्कत है आपको? यहां तक की स्थिति से आपको कोई दिक्कत है? यस सर, नो सर। अब इसके आगे बेटा, इसने टू प्रूव करने को कहा है। क्या प्रूव करने को कहा है? 2ab² = 2ac² + bc² ये इसने प्रूव करने को कहा। एक बात बताओ बस, इसे जो प्रूव करना है इसे देखकर, क्या मुझे लगता है क्या ये सारी की सारी आउटर साइड है ट्रायंगल की? ए बी ए सी बी सी, क्या ये सब आउटर साइड ऑफ ट्रायंगल है? और एक चीज और देखो, क्या आउटर साइड पर कहीं भी, आउटर साइड पर कहीं भी 90 डिग्री का एंगल है? नहीं, 90 डिग्री का एंगल है इनर साइड एडी पर, इनर साइड एडी पर, और प्रूव करवाया आउटर साइड। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साइड बी सी पर पड़ता है पॉइंट डी पर, डी बी जो है वो थ्राइस ऑफ सी डी है, ये प्रूव करना है। अब जरा यहां आ जाए आप, एक बात बताओ, ये ए डी इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है तो फिर इस ट्रायंगल का भी तो ये परपेंडिकुलर ही है। हाँ जी, तो इन ट्रायंगल ए डी सी नजर आया? नजर आया होगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्या आप सहमत हैं या आप असहमत हैं? सहमत होंगे आप लोग। इन ट्रायंगल ए डी बी नजर आया आपको? ए डी बी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, एक ही बात है, बी डी और डी बी एक ही बात होता है बेटा। क्या ये दोनों ए डी स्क्वायर की वैल्यू है? क्या मैं दोनों को इक्वल कर दूं? चलो क्यों कर दूं मैं इक्वल, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें डी बी ए डी कुछ नहीं है, उसमें आउटर साइड है सारी।
तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। हो गया हो गया हो गया, जल्दी बोलो। अब एक बात देखो ध्यान से, जो हमें प्रूव करना है उसमें ए सी लाना है तो इसे मत छेड़ो, जो हमें प्रूव करना है उसमें ए बी लाना है इसे मत छेड़ो। अब इनका क्या कर सकते हैं, इनका सी डी को देखो कुछ ऊपर लिखा था, कुछ कर सकते हैं, सी डी को 1/4 BC लिख सकते हैं। जल्दी बोलो सी डी को क्या 1/4 BC लिख सकते हैं। यस सर। चलो तो ए बी को छेड़ना नहीं है, डी बी को आप 3/4 BC लिख सकते हैं क्या, जल्दी बोलो। तो ये होल स्क्वायर खोलो, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 16, तुम्हें समझ नहीं आया ये, अबे होल स्क्वायर खोला ना, इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये हो गया 9 BC² / 16, जल्दी बोलो। 16 LCM ले लो, 16 LCM इधर से, 16 LCM आया तो ये हो गया 16 AC² माइनस बी सी स्क्वायर। राइट साइड इधर भी 16 LCM ले लो, 16 AB² माइनस 9 BC², जल्दी बोलो। ये इससे कैंसिल हो गया, जल्दी बोलो जल्दी। लेफ्ट साइड में रखना है ए बी, इसे बाकी को इधर वाले मोहल्ले में ले जाओ। 16 AB² तो ये रहा, ये तो ये अपनी जगह है, ये देखो ये रहा, ये दिखाई पड़ गया होगा। इक्वल टू में इधर 16 AC² है, ये 16 है, आपको दिख गया होगा 16 AC², ये जब 9 BC² है माइनस का, जब उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 9 BC² हो जाएगा, और वहाँ माइनस का BC² पहले से है, जब ये प्लस का जाएगा 9 तो ये प्लस का 8 BC² आ जाएगा। आप समझ गए, ये पूरी इक्वेशन 8 से डिविजिबल है, तो 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC² यही प्रूव करना था आपने, देख लिया ठीक है, आउटर साइड आपने खेलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप समझ जाना, ये पूरी एक्सरसाइज समझ गए, सबसे टिपिकल है, सबसे ज्यादा बार बोर्ड में रिपीट होने वाला 10th का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बार 10th में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है बोर्ड में। करें शुरू, बहुत शांति से हम लोग देखेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC गिवन है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा इसकी सारी की सारी साइड इक्वल है, आप लोग सहमत हैं इस बात से, ठीक है। डी पॉइंट है बी सी पर, चलो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। डी पॉइंट लेना है बी सी पर और बी डी 1/3, डी पॉइंट लेना है बी सी पर और जो बी डी है वो 1/3 हो जानी चाहिए इसकी, ठीक है। एक बात बताओ क्या प्रूव करना है, 9AD² इक्वल टू 7AB², ये प्रूव करना है ना, किताब बंद करके जरा यहां आ जाए आप। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज इसका मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूँ ए बी को जब चाहूँ बी सी लिख दूँ, जब चाहूँ ए सी लिख दूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड में। इसने कहा डी पॉइंट है, गिवन है बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी या 1/3 ऑफ ए बी या 1/3 ऑफ ए सी, ये कहाँ से लिख दिया, अरे बिकॉज बी सी इक्वल टू है ए बी इक्वल टू है ए सी, तो इसे मैं किसी के 1/3 के इक्वल लिख लूँ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये 1/3 है, ये 1/3 है, ठीक है, अब टू प्रूव, पहले प्रूव क्या करना है वो लिख लो, प्रूव करना है 9AD² इक्वल टू 7AB² अच्छा चलो भाई प्रूफ पे आते हैं, नहीं प्रूफ पे नहीं आते, पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। बच्चा एक बात बताओ मुझे, क्या कहीं 90 डिग्री का एंगल बना, और जब तक 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा ना
तब तक तो बच्चा लोग आप जो हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम कैसे पता चला? पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, दोनों स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर तभी आते हैं जब पाइथागोरस थ्योरम सिमिलरिटी में एक स्क्वायर आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते, तो पाइथागोरस थ्योरम का केस है। तो ड्रा ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए एम परपेंडिकुलर डाल लिया बी सी का। अब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज बी एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो बेस को इक्वली डिवाइड करता है। तो अगर आपने ये परपेंडिकुलर डाला तो बी एम और एम सी दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएंगे। अब यहां तक के समाचार दोबारा सुनो, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी बी सी ए सी इक्वल है। इसने कहा डी एक ऐसा पॉइंट है बी सी पर कि बी डी जो है वो 1/3 ऑफ बी सी है, 1/3 ऑफ बी सी है, तो आप एक ही बात है, इसे ए बी का 1/3 भी लिख सकते हैं और ए सी का 1/3 भी लिख सकते हैं। फिर ये प्रूव करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया हमने? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि वो बेस को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है, तो बी एम और एम सी दोनों हाफ ऑफ बी सी हो जाएंगे। हाफ ऑफ बी सी कह लें आप, हाफ ऑफ ए बी कह लें आप, हाफ ऑफ ए सी कह लें, क्योंकि बी सी ए बी और ए सी सब इक्वल है। यहां तक हो गया, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं प्रूफ पर, जरा ध्यान देना। यहां देखो बेटा, एक तो ट्रायंगल बना हुआ है ये राइट ट्रायंगल, एक तो बन रहा है ये ए एम डी, नजर आया, और एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ये ए एम सी, और इन दोनों में पिछले वाले ट्रायंगल की तरह ही ए एम कॉमन पार्ट है। तो आप इन दोनों से इसकी वैल्यू निकाल लें, इन राइट ट्रायंगल ए एम डी, इस वाले ट्रायंगल में ए 90 है, क्या मैं ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर लिख सकता हूं? जल्दी बोलो, इक्वेशन इन राइट ट्रायंगल ए एम सी, नजर आया ए एम सी, नजर आया, क्या मैं ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर लिख सकता हूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर आ गया क्या, ये बताओ जल्दी। अरे जब लेफ्ट साइड इक्वल थी तो ये राइट साइड दोनों इक्वल रख दी भाई हमने, जल्दी बोलो, यहाँ तक आप सहमत हैं क्या? अब वापस वहीं चलना, प्रूव क्या करना है, ए डी लानी है ए बी लानी है, ए डी लानी है ए बी लानी है, ए डी लानी है ए बी लानी है, इसका मतलब भाई साहब ये तो वीआईपी है, इसे तो छेड़ो मत, ये तो लानी है प्रूफ में, और ये भी लगभग वीआईपी है क्योंकि ए सी को आप जब चाहें, जब आपकी चॉइस हो तब ए बी लिख सकते हैं, ए सी और ए बी दोनों एक ही बात है, यानी कि ट्रीटमेंट इन दोनों का करना है, इसका और इसका, एक तो इसका ट्रीटमेंट करना है और एक इसका ट्रीटमेंट करना है। अब देखो डीएम का ट्रीटमेंट क्या है, डीएम ढूंढ के लाओ, ये रहा डीएम। देखो डीएम का डायरेक्टली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं डीएम को बीएम माइनस बीडी लिख सकता हूं? क्योंकि देखो मेरे पास बीएम की भी वैल्यू है बीसी बाय टू, या ए बी बाय टू लिख सकते हैं आप, एक ही बात है, या ए सी बाय टू लिख सकते हैं क्योंकि ये सब साइड इक्वल है, ए बी बी सी ए सी। बीएम का भी ट्रीटमेंट है मेरे पास और बीडी का भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरे पास डीएम का ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या मैं डीएम को बीएम माइनस बीडी लिख सकता हूं? जल्दी बोलो, तो करो ट्रीटमेंट इसका, एडी तो वीआईपी है, ये तो आंसर में आना है, इसे मैं लिख सकता हूं बीएम माइनस बीडी का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो, एसी 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 को मैं जब चाहूं मेरी चॉइस ए बी स्क्वायर लिख दूं, क्यों लिख दूंगा मैं ए बी स्क्वायर? क्योंकि मुझे आंसर में ए बी स्क्वायर लाना है और मुझे पता है ए सी और ए बी तो सब इक्वल है। अब सी एम बचा, सी एम ढूंढ के लाओ, कहाँ है ये सी एम? ये है सी एम,
सी एम की तो वैल्यू पता है ये रही, एम सी और सी एम तो एक ही बात होती है ना, तो ये बी सी बाई टू, ए बी बाई टू, ए सी बाई टू। नहीं नहीं, बी सी बाई टू क्यों लिखेंगे हम, डायरेक्ट ए बी बाई टू लिखेंगे ना, क्योंकि हमें प्रूव ए बी में करना है, तो सब कुछ ए बी में लेके जाना है हमें, तो हम इसे ए बी बाई टू का होल स्क्वायर लिख लेंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ए डी स्क्वायर, ये वी आई पी ऐसे मत छेड़ो। बी एम, देखो बेटा बी एम जो है, बी एम बी एम जो है ए बी की टर्म में ए बी बाई टू हो सकता है, क्या हो सकता है? बी डी, बी डी देखो बी डी ए बी बाई थ्री हो सकता है, जल्दी बोलो ये बात, का होल स्क्वायर। इधर हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन फोर, या आएगा कुछ और? अरे ए बी स्क्वायर अपॉन फोर ही तो आएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आया, ये कुछ गलत कर दिया, ये थ्री था ना, बी डी जो है इसका एलसीएम आएगा सिक्स, ऊपर हो गया थ्री ए बी माइनस ए बी, तो खाली ए बी बचा गया, ये बताओ बचा। इधर 4 एलसीएम लेके 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर बचा गया अपॉन 4 बचा। यहां देखो जल्दी, ये हो गया ए डी स्क्वायर 36 में माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ये कहां से आया बच्चे? इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन 36 आ गया, 36 एलसीएम लिया तो 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया ना, और इधर 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 तो है ही है, 4 नाइन जा, 4 नाइन जा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक लाइन बची है बस, 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 9 थ्री जा 27 ए बी स्क्वायर आ गया क्या? इसे इधर ले जाओ गली नंबर एक में, 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 28 ए बी स्क्वायर, जल्दी बोलो। ये ए बी है, ये ए बी, ये डिविजिबल बाई 4 है क्या? तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर आ गया क्या, ये बताओ जल्दी, और यही प्रूव करना था आपको। क्लियर है? दोबारा समझ लो शुरू से। देखो बच्चे, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ए बी बी सी और ए सी सब इक्वल हैं। इसने कहा है डी एक पॉइंट है बी सी पर, और बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है, बी डी अगर बी सी का 1/3 है तो ए बी का भी 1/3 है, ए सी का भी 1/3 है, बात एक ही है क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है। प्रूव ये करना है, अब ये प्रूव करना है तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपने कंस्ट्रक्शन में ए एम ड्रॉ कर दिया बी सी के परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी होती है, दैट इज प्रॉपर्टी होती है ये, कि परपेंडिकुलर जो डाला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो बेस को इक्वली डिवाइड करता है, तो बी एम और एम सी दोनों इक्वल होंगे और ये बी सी के आप होंगे, और अगर बी सी के आप होंगे तो ए बी के भी आप होंगे, और एक ही बात है। अब एक ट्रायंगल तो उठा ए एम डी, जैसे पिछले वाले में किया था, इसमें ए एम स्क्वायर हो गया ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। दूसरा ट्रायंगल उठा ए एम सी, इसमें ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, दोनों ए एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वल प्लेस कर दी। अब यहाँ जरा थोड़ा सा होच पोच सा हो रहा है, जरा ध्यान देना, ए डी हमें प्रूव करना है, दोबारा सुनो, इसे नहीं छेड़ना। डी एम, डी एम ये वाला पार्ट है, देखो डी एम, डी एम को हमें डायरेक्टली पता नहीं डी एम क्या है, लेकिन हमें डी एम का इतना पता है कि डी एम को बी एम माइनस बी डी लिख सकते हैं, तो डी एम को हमने बी एम माइनस बी डी लिखा। ये ए सी स्क्वायर था, ए सी आंसर में नहीं लाना, तो ए सी को जब चाहे ए बी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब बात बची सी एम की, देखो सी एम और एम सी एक ही है, सी एम और एम सी बी सी का आप था, बी सी का आप था तो ए बी का भी आप था। ये बी एम गिवन है ए बी बाई टू, ये बी डी गिवन है ए बी बाई थ्री, इसके बाद तो एलसीएम लेके सॉल्यूशन किया है। आपसे एक क्वेश्चन हर हाल में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे क्या कह रहा है वो सुनो। ये आपसे कह रहा है कि भैया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें डी पॉइंट है बी सी पर, ये तो कर दिया हमने, नीचे वाला
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू फोर टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर. टू प्रूव, प्रूव करना है 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर. अब क्वेश्चन पढ़ के तब मेरे से बात करो क्या यही है क्वेश्चन. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा abc, ठीक है. इसने कहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये प्रूव करो कि उसकी किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम 4 टाइम है उसके स्क्वायर के एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के स्क्वायर का, किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम. ए बी लिख लो, बी सी लिख लो, ए सी लिख लो, ये तो सब इक्वल है. 4 टाइम है उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का. इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम के इक्वल है. ये प्रूव करना है, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई लोग, ठीक है जी. अच्छा, ड्रा कर दिया था ये, तो पिछले वाली प्रूफ में आ जाइए. बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो गया क्या, और हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं. बात तो एक ही है यार, अभी पिछले वाले में बताया था ना परपेंडिकुलर हाफ हाफ करता है यार, हाफ हाफ बोला था ना आपको. ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ. चलो यहाँ नहीं, वहाँ दिख रहा है अभी. इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, नजर आया आपको ए डी बी? अरे ए डी बी नजर आया आपको? क्या ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं आप? yes, जल्दी बोलो जल्दी. yes, sir. अच्छा, प्रूव करना है ये. यहाँ मेन बात पाइथागोरस थ्योरम में ये है, जो प्रूव करना है उस पर फोकस रखो. हम क्वेश्चन नंबर, बेटा हाथ हटाओ, हम क्वेश्चन नंबर 8 से यही कर रहे हैं कि जो प्रूव करना है उस पर फोकस रखना होता है. देखो ये तो प्रूव करना है, वी आई पी है, छेड़ो मत. अरे ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ये भी वी आई पी है, इसे भी मत छेड़ो, हाथ मत लगाओ इसे, इसका कुछ करो. ये प्रूव वाले में नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा. तो इसे मैं, ये डी है, डी है डी फोर डंकी, इसे क्या मैं बी सी बाई टू लिख सकता हूं? यहां से क्यों लिखूं मैं बी सी बाई टू? मुझे तो ए बी लाना है, तो मैं से ए बी बाई टू लिखूंगा, एक ही तो बात है भाई. जल्दी बोलो, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन फोर. यह आएगा कुछ और, फोर ही आएगा. ए बी स्क्वायर, एलसीएम लो जल्दी जल्दी, ये हो गया फोर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. जल्दी बोलो, इसे इधर ले जाओ. फोर ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बचा. इस ए बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो कितने ए बी स्क्वायर बचेगा? इक्वल टू फोर. क्या यही प्रूव करने की डिमांड हुई थी? जल्दी बताओ क्या यही डिमांड थी? यस सर. चलो एक्सरसाइज खत्म हो. अभी यही यही होगा, टेंशन ना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुहानी बच्चे ने डिमांड की कि दूसरा मेथड बताओ. यहाँ आ जाओ बेटा. पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो राइट है, कहां पर राइट बता जल्दी, कहां पर है? पी पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा मेथड है ये. पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट है पी पर. पी क्यू आर राइट है पी पर, ठीक है भाई. इसने कहा एम पॉइंट है क्यू आर पर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा. अब देखो यहां देखना जरा ध्यान से, ये कितने डिग्री का एंगल है जल्दी बोलो. इसे आप एक्स कंसिडर कर लो, कितना कंसिडर कर लो? तो ये कितने डिग्री का एंगल है ये बोलो जल्दी. ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? जल्दी बोलो, हो जाएगा. ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 का. कितने का? 90 का. देखो जब परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो इधर भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. दोबारा सुनो, इसमें ये 90 तो इसमें ये 90,
इसमें ये एक्स मान लिया, तो तीसरा एंगल 90 माइनस एक्स कैसे बचा? अरे यार ये 90 है, तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। अरे 90 तो ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना बचा? 90। तो अगर एक को एक्स लोगे तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी ट्रायंगल का जहां परपेंडिकुलर है, अगर उससे दूसरा परपेंडिकुलर सामने डालोगे तो परपेंडिकुलर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो पहले वाले परपेंडिकुलर को इक्वली डिवाइड करता है। क्या करता है? तो ये 90 माइनस एक्स इधर रह गया, तो ये कितना रह गया? 90 माइनस एक्स। ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना है? 90। तो ये कितना रह जाएगा? एक्स। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये। समझ में बात आई? क्लियर है? क्लियर है, लेकिन मेथड वही करना पहले वाला, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि आपको 8th से लगा के 16th तक भी वही मेथड लगाना है। सिमिलैरिटी का मेथड लगाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर, बाकी कल मिलते हैं।